हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने 2 या 3 साल के बेबी का मास्क बनाना बताया है और ये बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा 2 लेयर में लिया और उसको इस तरह से मैंने मेजरमेंट किया, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और अब हमें इसे एक बार और फोल्ड कर लेना है, तो ये हमारा 4 लेयर में हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ मेजरमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड मैंने बताया है जो इजीली आप कर सकते हैं, मास्क बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक एक इंच पे निशान लगाना है, खुली वाली साइड पे, और बंद वाली साइड पे हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 1/2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया, और सेम नीचे भी हमें 1/2 इंच पे ही निशान लगाना है। बस इसमें 2 ही नंबर याद रखने हैं, बस हमारा 2 ही मेजरमेंट है इसके अंदर, और फिर इन निशानों को हमें इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों निशानों को इस तरह से मिलाया, और इसके बाद जो ऊपर वाले निशान है इनको भी हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, जो ये बीच यानी मिडिल पे हमें एक निशान लगाना है, यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे, और इनके कॉर्नर पर हमें गोलाई देना है। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की यानी छोटा जो साइज होता है वो प्लेट ली है मैंने, और इससे हम इसकी राउंड शेप देंगे। तो ये हमें इस तरह से प्लेट को रखना है और फिर इसकी हमें गोलाई देना है। तो इस तरह से हम इसकी गोलाई देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको राउंड शेप दिया, और इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देना है जिस तरह से हमें निशान लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है, और ये हमारे 4 लेयर में कट के पीस तैयार हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइंट करना है। तो 2 पीस एक साथ ज्वाइंट करेंगे और 2 पीस एक साथ ज्वाइंट करेंगे, तो इस तरीके से हमें इसको ज्वाइंट करना है। यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे, और सेम इसी मेथड से हम इस दूसरे वाले पीसीज हैं इन पर भी सिलाई लगा लेंगे, और ये सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद जो इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई और लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। इसके बाद हम ये ऊपर वाली साइड में हम सिलाई लगाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों तैयार कर लिए हैं, और फिर हमें इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है। ये हमारी उल्टी साइड है यानी रोंग साइड है, ये आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, और छोटे छोटे कट कर देंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें यानी जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और इस साइड से मैंने इसको खुला रखा है, तो इस साइड से हमें इसको सीधा कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर लिया, और सीधा करने के बाद इसको अच्छे से इसको सीधा करना है जो हमने सिलाई लगाई थी, और इसके ऊपर भी हम एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगा के मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें ये 2 रबड़ लेने हैं लास्टिक, इनकी लंबाई मैंने 5 इंच ली है, क्योंकि ये 2 से 3 साल के बेबी का ही मास्क है, तो ये 5 इंच भी काफ़ी है। तो ये 5 इंच की मैंने ये लास्टिक ली, और यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, और फिर हम ये लास्टिक लगा देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, 2 सिलाई लगा देंगे, अच्छे से पक्का कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स,
दो से तीन साल के बेबी का मास्क बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे इजीली बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।